सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो DSSSB के जो 40,000 टीचर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में जो बात चल रही है उसी के रिगार्डिंग रहेगी। DSSSB के टीचर्स रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहेगी। फ्रेंड्स, आने वाले समय में DSSSB की तरफ से टीचर्स की और बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, केजरीवाल सरकार के द्वारा अपने स्कूलों में 12,165 शिक्षकों की भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजे जाने के बावजूद दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSSB इसने अभी तक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जबकि इनमें से 11,139 को भरने के लिए आग्रह पत्र मार्च 2020 में ही बोर्ड को भेज दिए गए थे। और सरकार के आग्रह के बावजूद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करने के आरोप में अब उच्च न्यायालय में DSSSB के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट तो ये है कि उच्च न्यायालय में अब DSSSB के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है और जस्टिस नजमी वजीरी के समक्ष दाखिल याचिका में DSSSB को शिक्षकों की बहाली के लिए तत्काल विज्ञापन जारी करने का आदेश देने की मांग की गई है। गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल 18 मार्च को 11,139 और 21 जनवरी 2021 को 926 शिक्षकों के खाली पदों, कुल पद हैं 12,165, इनको भरने के लिए DSSSB को आग्रह पत्र भेजा था, लेकिन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई समुचित कदम नहीं उठा रहा है। अधिवक्ता अग्रवाल ने बताया है कि बुधवार को उनकी याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, दूसरी अपडेट ये है कि जो वेडनेसडे आने वाला है, इस वेडनेसडे को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने की संभावना है। और आगे देखिए फ्रेंड्स, 20 साल के बाद भी शिक्षकों के खाली पदों के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। अधिवक्ता अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्ष 2001 में उच्च न्यायालय ने सरकार और नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने का निर्देश दिया था, यानी 20 साल पहले ये निर्देश दिया गया था। उन्होंने न्यायालय को बताया है कि 20 साल पुराने फैसले के हिसाब से हर साल अप्रैल में सरकार और नगर निगम के स्कूलों में रिक्त पदों की संख्या शून्य होनी चाहिए, लेकिन याचिका के अनुसार मौजूदा समय में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 35,000 और नगर निगम के स्कूलों में 5,000, तो फ्रेंड्स यहां पर कुल मिलाकर 40,000 जो पद हैं वो अभी भी खाली हैं। और इन्हीं 40,000 पदों के बारे में अभी बात की जा रही है कि इनकी वैकेंसी जरूर आनी चाहिए और इस विषय में हाई कोर्ट में सुनवाई भी होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, इन फ्यूचर ये एक उम्मीद है कि कैंडिडेट्स को अब आने वाले समय में बहुत जल्द बहुत सारी टीचर्स की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। और फ्रेंड्स, याचिका में क्या कुछ कहा गया है इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आप जान लीजिए। 23 लाख बच्चों को नहीं मिल रहा है समुचित शिक्षा का अवसर। उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में ये कहा गया है कि शिक्षकों की कमी के चलते समाज के कमजोर तबके के लाखों बच्चों को समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकारी और निगम स्कूलों में शिक्षकों के 40,000 पद रिक्त होने के चलते 23 लाख बच्चों को अच्छे प्रकार से शिक्षा नहीं मिल रही है। इन 23 लाख बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है क्योंकि यहाँ पर 40,000 पद टीचर्स के लिए खाली पड़े हुए हैं, जिनकी वैकेंसी DSSSB के द्वारा नहीं निकाली जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये भी याचिका में साफ साफ कहा गया है। और आगे देखिए, 5,003 पदों के लिए 10 लाख छात्र परीक्षा के इंतजार में है। फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार के आग्रह के बाद DSSSB ने पिछले साल 5,003 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए 10 लाख प्रतियोगी छात्रों ने इन पदों के लिए आवेदन किया। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते DSSB ने इन पदों के लिए होने वाली परीक्षाएं
पोस्टपोन कर दी, स्थगित कर दी। फरवरी में DSSSB ने उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल करके कहा कि इन पदों को भरने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमति मिल गई है और जल्द ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिवक्ता अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि न्यायालय में हलफनामा दाखिल करने के बाद भी बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी फुल इन्फॉर्मेशन इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग, जो कि 40,000 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं और इन 40,000 टीचर्स के पदों के लिए DSSSB के खिलाफ याचिका भी दायर की गई है ताकि वह जल्द से जल्द इन वैकेंसीज को निकाले और कैंडिडेट्स को अवसर दे ताकि इन बच्चों को समुचित शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं और अशोक अग्रवाल जी ने भी याचिका लगाई हुई है जिसकी बुधवार को सुनवाई भी होनी है। तो फ्रेंड्स, इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग यही एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों तक हमें पहुँचानी थी। फ्रेंड्स, जल्द ही हमें नई वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा और जो वैकेंसीज अभी फिलहाल में DSSSB ने निकाली हुई है, अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है तो आप लोग उसके लिए भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि जल्द ही आप लोगों के एग्जाम भी कंडक्ट कर लिए जाएंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ। थैंक्स for watching this video.